हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है लास्ट नवरात्रि और मतलब लास्ट बर्थ है आज। और मैं इसी तरीके से बताना चाहती हूँ कि मैं सुबह सुबह में इसी तरीके से अपने हब्बी का वेट करती हूँ कि वो सो के उठ के आ जाए। नहाते तो खैर वो नहीं है, सो के उठ के आ जाए, मेरे साथ पूजा कर ले। सो मैं उनका इसी तरीके से वेट करती रहती हूँ फिर भी वो नहीं आते हैं। और मैं नहा चुकी हूँ, आप देख सकते हो मुझे। विशु अभी सो रहे हैं। मैं आपको यही बताना चाहती थी आज सुबह सुबह शूट करके कि मेरे हब्बी का मैं वेट करती रहती हूँ पूजा के लिए कि वो आए और हम पूजा करें साथ में, बट वो नहीं आते हैं। सो के उठ के आ जाते हैं पर नहाते नहीं है। यही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी। और आज हाँ, कल रात फोन टूटा था, मैंने आपको बताया था। सो मेरे फोन की हालत अभी ऐसी है, बीमार है, खराब है, मर गया है सो मेरा फोन आज मर गया है। आज नहीं, वो कल मर गया था सो नहीं, अभी थोड़ी थोड़ी सांसें बाकी हैं उसमें। सो अभी क्या है ना, मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, सोच रही थी। मैं कह रही थी लाइफ में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती है ना, फिर भी कैसा है ना कि हम लोग खुश रहते हैं। औरों को तो पता नहीं, हम लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। अश्विन जी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे कि कोई चीज हो जाती है तो उनको लगता ही नहीं है कि वो चीज हो गई है। वो बोलते हैं कि चीजों के बारे में क्या सोचना है ना, जो चीज हो गई है वो तो हो ही गई है ना। अगर हम उसके बारे में सोचेंगे, अगर वो चीज वापिस आ जाए सोचने से, तो एक काम करते हैं, दोनों मिलके ही सोचते हैं, वो है इस तरीके से बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देखो ना, मैं इसी तरीके से इनका वेट कर रही हूँ और अभी तक भी रूम से निकल के नहीं आ रहे हैं। अश्विन जी, भाई साहब, कितना सोओगे? बहुत सोते हैं, सोते ही रहते हैं और मैं इनको बुलाती ही रह जाती हूँ। सो गाइस, मॉर्निंग में क्या होता है ना, मैं वैसे तो सूट डाल लेती हूँ पूजा करते टाइम, बट क्या है ना, जब विशु उठे होते हैं तब मेरा ड्रेस कुछ और होता है, अगर विशु सोए होते हैं तब मेरा ड्रेस कुछ और होता है। वो इसलिए क्योंकि विशु को जब सूट पहन लेते हैं तो विशु को मैं डायरेक्टली नहला देती हूँ अपने साथ ही, या अश्विन जी नहला देते हैं। फिर उससे क्या होता है, कोई काम बचता ही नहीं है बेकार वाला। बट विशु अगर सो रहे हैं तो उसके बाद के लिए मेरा बहुत सारा काम बच जाता है। जैसे विशु को नहलाना है ना, विशु की क्लीनिंग करना, विशु को नाश्ता देना, विशु को दूध देना, और मॉर्निंग के काम बता, सिर्फ मॉर्निंग के आपको काम बता रही हूँ। नहाना, विशु को दूध देना, विशु की क्लीनिंग करना, बैग साफ करना, क्योंकि विशु अभी सो रहे हैं, ये सारे काम मेरे ही होते हैं। अदरवाइज सारे काम तो जो हाउस हेल्पर आती हैं वो कर लेती हैं, समेटना वमेटना सब कुछ हो जाता है। बट कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मुझे करनी होती है। सो मैं आप लोगों के साथ इतनी देर से आपको पका रही हूँ, पर अश्विन जी अब भी नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है मुझे ही उनके पास जाना पड़ेगा कैमरा लेके, बट मैं कैमरा लेके भी उनके पास नहीं जा सकती क्योंकि वो सो रहे हैं खर्राटे मार के। और उठेंगे तो मेरे पास आएंगे, नहीं आएंगे तो क्या करें। सो फ्रेंड्स, यही रहता है हमारा मॉर्निंग का। और राजकुमार जी, वाह, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने मेरा फोन तोड़ा यार। बच्चे कितना आ गए सोके उठ के, पीछे पीछे पीछे। मैं कैमरा कैसे सेट करती हूँ? अरे यार, ये छोटे छोटे बाबू, अब आप एक काम करो, ये जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना, ऐसे होते हैं, इतना छोटा हूँ। अब बाबू आप एक काम करो, ब्रश कर लो, फ्रेश हो जाओ, ठीक है? हाँ, अश्विन जी अभी ब्रश, ये मेरे बालों से पता चल रहा होगा कि कौन पहले नहा रहा है। ये लड़की कितनी देर से उंगलू बना रही है। ये एक्सरसाइज बहुत करते हैं, मतलब एक्सरसाइज करने लग जाते हैं और मैं इनका वेट करती रहती हूँ कि अश्विन जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सच्ची में अश्विन जी बहुत अच्छे हैं, इनसे बहुत अच्छे हैं, इसलिए फोन टूट गया तो इसलिए बोल नहीं रहे। इनसे मुझे ना बहुत ज्यादा मतलब वो मिलती है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेरणा मिलती है है ना। मतलब कभी भी मतलब महसूस नहीं होने देते कि कुछ गलत हुआ है, ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा ही है। थैंक यू सो मच अश्विन जी लाइफ में आने के लिए। माता रानी से बस यही बोलती हूँ कि हमेशा इनको पुट्टू मेरे साथ रखना ऐसे ही, ताकि मुझ मेरे पर मैं बाबू उसमें तो आऊंगा नहीं ना, हर बार देखना फिर कैसे काम चलेगा। किसमें?
कैमरे में कहूंगा तो आप छोटे हो जाया करो ना। क्यों, आप बड़े हो जाया करो, आप सैंडल पहन कर आ गए। ऐसे नहीं कहिए। मैं विशु, अगर विशु यहाँ पे होता ना तो मैं उसके सामने, अरे विशु आरती करने लगे हैं, पता है ना आपको बाबा कल कर रहे अम्बे मात कीजे, ऐसे आरती देते हैं। अगर मैं उनके सामने गाना गाती हूँ तो ऐसे कहते मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड हूँ मैं कैंडी ना 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 ना। सो फ्रेंड्स, बहुत देर से बात हो चुकी है आपसे, अश्विन जी भी यहाँ के आ चुके हैं। एक्चुअल में क्या था, वो मुझसे पहले उठ जाते हैं और मैं जब मॉर्निंग में उठी तो वो आपको पता है क्या कर रहे थे, वो मेरा मास्क मतलब टूट गया था ना तो उसको सिल रहे थे, क्योंकि वो मेरा फेवरेट मतलब फेवरेट ही है। अगर नया मास्क आप लेके आते हो तो आपको अच्छा लगता है कि नया मास्क पहनना है। सो वो सुबह सुबह मेरा मास्क मतलब सही कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पता कैसे आती हूँ, ऐसे आती हूँ डरते डरते, जब मैं उठ जाती हूँ ना तो मैं कहती हूँ अश्विन जी कहाँ है, पहले मैं वॉशरूम चेक करती हूँ, वॉशरूम में नहीं मिलते हैं, फिर मैं बाहर का एरिया चेक करती हूँ तो वहां पे भी नहीं मिलते हैं, फिर मैं देखती हूँ इस वाले रूम में आके, तो इस वाले रूम में अश्विन जी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। जब वो वैसे वो जल्दी ही उठते हैं, वो 5 बजे उठते हैं, कभी कभी 4 बजे उठते हैं। सो चलो बहुत बात हो गई है, अश्विन जी भी आ चुके हैं, पूजा करते हैं। चलो 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 चलो, ये देखो अभी हम लोग करते हैं पूजा। पूजा करते करते राजा बेटे भी हमारे आ जाएंगे अचानक से, आप देखना। और जब वो आ जाते हैं वो इतना मतलब हैप्पी फील करते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया है खुद से उठने के बाद। तो चलो पूजा करते हैं। सो गाइस, ये हमारे राजकुमार भी उठ चुके हैं, हमारी आरती भी हो चुकी है, बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा है। सो फ्रेंड्स, आज मैंने अश्विन जी से जिद करके विशु का ये वाला ड्रेस निकलवा लिया है, है ना? विशु आज तो अच्छा क्यों लग रहा है यार? विशु बाला बाला कर दो, बाला कैसे बाला। कैसे? जय भोलेनाथ। पापा पापा ऐसे करते बेटा, उनको आपकी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है, गाइस बोल रहे हैं कि छोटी हो गई है, छोटी हो गई है। विशु तू आज अच्छा क्यों लग रहा है मुझे? ओ ओ, विशु तो बहुत अच्छा लगता है भाई। बाबू है। जय भोलेनाथ। हाँ पापा ऐसे कहते हैं, आप बाला कर दो, बाला बाला कर दो, बाला बाला। विशु डोली रहा, शादी वाला डांस कर दो। सो फ्रेंड्स, मैं विशु को यहाँ पे ले आई थी थोड़ा सा मस्ती कराने के लिए। विशु कैसा लग रहा है? अच्छा। ओम जय अम्बे गौरी, बोलो अम्बे मात की जय। विशु आरती ले लो, आरती ले लो, जय जय कर दो। ये गाइस, ये मंदिर में ये सीखने गए थे, 9 दिन तक इन्होंने ये सीखा। जय 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 जय। अपने आप भी ले लो, वेरी गुड। चलो एक बार और गाइस, एक बार और अच्छे से देख लो आप, विशु ने 9 दुर्गों में ये चीज सीखी है। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, बोलो अम्बे मात की जय। चलो पापा को जय जय कर दो, जय जय ले लो भाई, जय जय ले लो। अरे वाह, अच्छा मम्मा को जरूर देना है। आई आई और अरे वाह, विशु कैसे कैसे करते हैं ऐसे? हाँ ऐसे। अरे टॉम एंड जेरी दा, तेरा मेरा ये रिश्ता, गल गल ते हंस देवा, मुझे प्यार भी बतेरा। सो फ्रेंड्स, ये गाना मैंने क्यों गाया है, अश्मित जी ने मुझे सुबह से इतना ज्यादा परेशान कर दिया, आपने देखा भी होगा, मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था और अभी मैंने चेंज कर लिया है, विशु को भी नहला दिया है, विशु अभी लेट ही उठे थे, और इतना परेशान कर दिया है कि मेरे साथ घूमने चलो, घूमने चलो मतलब मेरे साथ कहीं चलो, इनका कोई काम है तो इनको कहीं जाना है, और मुझे मैंने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस हो रहा है, सो इन्होंने बोला कि मैं आपके लिए एनर्जी ड्रिंक बना देता हूँ, बट आप मेरे साथ चलो।
है ना। तो अश्विन जी मेरे लिए बना रहे हैं क्रोम, मामू क्रोम। और ये जो आप डोरी देख रहे होगे ना, ये बल्ब की डोरी है। सो अश्विन जी मेरे लिए क्रोम बना रहे हैं मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। आप नहीं पियोगे? सो फ्रेंड्स, बस पूजा वगैरह हो गई है और स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से बहुत सारी बातें कर ली है। उस वीडियो को थोड़ा सा मुझे कट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हम कहीं बाहर जाएंगे, सो इस वीडियो को भी इसी में ऐड करना है। तो चलिए चलते हैं, गांधीनगर जा रहे हैं आज हम। और वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि फ़ोन नहीं है मेरे पास, मेरा अश्विन जी का फ़ोन है और वो अपना बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं अपना फ़ोन देने के लिए मुझे। सो चलते हैं, और मिलती हूँ फिर आपको। अब मैंने ये टॉप डाल दिया था, ये जींस डाल लिया था, नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं गांधीनगर अभी, यहाँ पे टॉय शॉप में थोड़ा सा सामान लेने के लिए। सो थोड़ा थोड़ा कुछ ले लिया है। सो फ्रेंड्स, अश्विन जी का जो काम था वो हो चुका है और लगे हाथ मैंने भी कुछ ना कुछ ले ही लिया, थोड़ा बहुत जो भी मुझे मिलता गया। आपको पता है जहाँ पे भी शॉप्स वगैरह दिखती हैं तो वहाँ से मैं रुक नहीं पाती हूँ, ले लेती हूँ कुछ ना कुछ। सो मैंने विशु के लिए ब्रश ले लिया है मिमी का, और क्या लिया है, थोड़ा डेकोरेशन का सामान लिया है। और अरे यार कहाँ पे हैं छोले भटूरे? इधर शायद कहीं पे छोले भटूरे बन रहे होंगे ना, सो इसीलिए आ रहे हैं। उसमें देखो जाते हुए भी और आते हुए भी तो काम हो चुका है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? डीमार्ट। अभी हम आए शायद से डीमार्ट जाएंगे या फिर पता नहीं। फ्रेंड्स, हम आए थे यहाँ पे फास्टैग के शोरूम में, क्या कराने के लिए आए थे? फिर पति का कोई काम था बोल दो। फिर पति जी का, पति जी के ही काम है आज सारे के सारे ना, सो इन्हीं का ही काम था, इसीलिए काम जल्दी हो जा रहे हैं। एक भी नहीं होता अभी तक। हाँ कुछ भी बोलते हो। yes, ये देखो इनको बस छोड़ दो और बस छोड़ दो। सो ये वाला काम भी गांधीनगर में ही था। अभी हम लोग जाते हैं डी मार्ट से थोड़ा सा शॉपिंग करना है विशु के बर्थडे का। जो भी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ख़त्म हो गई हैं वो सब मैं ले लेती हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, बस थोड़ा सा जो भी लेना है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हाँ, हम पहुँच चुके हैं। मैं अरे बस रहने दो। ओके, मुझे क्या बोला तुमने? ये औरत 5 घंटे से बोल रही है कि भूख लग रही है, जबकि घर से निकले वो आधा घंटा हुआ है हमें। मुझे तो भूख लग भी नहीं रही है। और अरे इतनी देर से खाए पड़े हो कि लाओ खिला दो कुछ तो खिला दो। रुकोगे? चलोगे भी ना? चलो भाई चलो आ जाओ। हाँ, तो मैंने सोचा लाओ इनको कुछ ना कुछ तो खिला ही दूँ। मैंने हाँ यहाँ पे भंडारा हो रहा है थोड़ा सा, मैंने कहा लाओ भंडारा है कुछ खिला देता हूँ। अच्छा चलो चलो, तो मैं दिखाते हैं अंदर जा कर के। अभी हम आ चुके हैं बाहर। ऐसे थोड़ी ना, काश मेरे पास फोन होता और मैं ऐसे वीडियो बना। वही तो, आज बार बार अश्विन जी का फोन मांगना पड़ रहा है मुझे।
वाह आ जाओ जो भाई दिखा दो, वाह बोल रहे हैं वो, वाह नहीं मास्क बोल रहा हूँ, मास्क नहीं बोल रहे वाह बोल रहे हैं वो, क्या है ये कहाँ है विशु मास्क, मास्क गाइस उसने मास्क लगा रखा है ना तो उसको वही दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स बस फटाफट से अभी घर चलते हैं, है ना, घर क्यों जाएंगे और काम नहीं है मेरे क्या अभी, अरे आज आपके कितने काम है यार, आज इनके काम भी खत्म नहीं हो रहे हैं, अभी कौन सा काम है आपका, बहुत सारे काम है मेरे अभी, कुछ अभी ऐसे कुछ भी बोलते रहते हैं। अभी मैंने यहाँ पे केक का ऑर्डर दे दिया है और कैसा मतलब कैसा बन के आएगा कैसा होगा वो सब मैं आप लोगों के साथ मतलब बर्थडे वाले दिन ही शेयर करूँगी। तो ये है राधे श्याम है ना, श्रीनाथ सॉरी श्रीनाथ बेकरी है, मतलब यहाँ पे अच्छा केक बनता है, ऑर्डर दे दिया है, अभी वो पता चलेगा केक किस तरीके का बन के आएगा बाद में। तो अभी चलते हैं डी मार्ट, बर्थडे करना आसान नहीं होता है वो भी छोटे बच्चे का, अपना तो चलो हो जाता है, तो चलते हैं अभी ना। सो फ्रेंड्स हम डी मार्ट आ चुके हैं और हम पहुंच गए फर्स्ट फ्लोर। विशु को कैसे छोड़ देते हो आप, ये दिलाओगे कुछ भी, ये नहीं दूसरी ब्लू वाली डाल के देखो, ये वाली डालो बाबू एक बार, ये वाली देखो 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 डाल के, तो कोई नहीं नीचे तो सफाई हो रखी है ना, ये देखते नहीं तो कौन सी उठाओ, ये आज मैं आशमित जी को शॉपिंग करा रही हूँ स्लीपर की, पैसे आप दोगे ना, हाँ पैसे मैं ही दूंगा, सही है। ये वाली नहीं ऐसी ये वाली देखो ना इस टाइप की डाल के। सो फ्रेंड्स आज स्लीपर की शॉपिंग हो रही है आशमित जी की, विशु आप क्यों चिल्ला रहे हो, क्या खाना है, खाना है क्या खाना है, धुलने के हिसाब से, हाँ धुल के शायद बेकार हो जाएगी, आई थिंक वो वाली सही है धुलने के हिसाब से, नहीं धुलने के हिसाब से ये सही है, इनको ये अच्छी लग रही है, अब मुझे ये अच्छी लग रही है, आओ आई आई सॉरी सॉरी, विशु आइसक्रीम खाओगे आप, नहीं नहीं आते ये ले लो टिश्यू पेपर ले लो, ओके एक पूरी की पूरी बॉटल इन्होंने ये खाली कर दी है, बोले ये वाली देख रहे हो कितना चिल्लाते हो ना, आंकरो आंकरो आंकरो, वाओ आई खा लो चलो, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल, तू जो मिला तो आशा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल।